गुरुवार का दिन जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु ग्रह का दिन होता है और यह सुख और समृद्धि का ग्रह माना जाता है। खास करके जितने भी जिंदगी में लग्जरी वाली चीजें होती हैं जो किस्मत से प्राप्त होती हैं, यह केवल गुरु ग्रह की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुवार के दिन अगर कुछ खास चीजें कर ली जाएं तो इससे धन आकर्षण बहुत दुगनी तेजी से होने लगता है, बल्कि किस्मत भी प्रबल बन जाती है क्योंकि यह किस्मत का ग्रह माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत बिल्कुल ही खराब है, दुर्भाग्य आपके पीछे लगा रहता है, धन की हमेशा ही परेशानी लगी रहती है और इसी के साथ अगर शत्रु भी बहुत ज्यादा परेशान आपको करते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका गुरु ग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर है या दुष्प्रभाव में है। आपको ये भी बता दें कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है ऐसे व्यक्ति के कभी भी शत्रु नहीं बनते हैं, और शत्रु अगर होते भी हैं तो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। गुरु ग्रह की कृपा से बहुत ही ज्यादा खास लाभ की प्राप्ति होती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है उसके जीवन में परेशानी तो आती है, क्योंकि परेशानी तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होती ही है, बल्कि दुनिया में एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। परेशानियों का होना बेहद आवश्यक भी होता है और उन्हीं के कारण इंसान आगे भी बढ़ पाता है, लेकिन जो परेशानियों को भी हरा दे और उन परेशानियों का कुछ भी इफेक्ट, कोई भी बुरा प्रभाव उस व्यक्ति पर ना पड़े, वो केवल अच्छी किस्मत के कारण ही पड़ता है। खास करके जब गुरु ग्रह बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, चाहे उसके सभी लोग शत्रु ही क्यों ना बन जाएं, लेकिन फिर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। धन की समस्याएं उसके जीवन में कभी भी नहीं होती हैं और वह लगातार ही आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि दूध में हल्दी मिलाकर अगर आंकड़े के पौधे पर आप गुरुवार के दिन चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं, अपनी किस्मत प्रबल की इच्छा रखते हैं, मनोकामना बोलते हैं, तो इससे बहुत ही जल्दी किस्मत आपकी बलवान बन जाती है और इसी से धन आकर्षण भी निश्चित ही होने लग जाता है। अगर धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएँ हैं तो गुरुवार के दिन आंकड़े के पौधे में दूध में हल्दी मिलाकर केवल चढ़ा देने मात्र से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु ग्रह भी बलवान बनता है। तो इस खास चीज़ को आप गुरुवार के दिन अवश्य ही किया करें, हफ्ते में केवल एक बार ही किया जाता है। आपको बता दें कि आंकड़े के पौधे के पास बहुत सारी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो महाकाली के गण कहलाते हैं, और इन्हीं को अगर आप कुछ चढ़ाते हैं तो इससे तुरंत ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य आपको परेशान करता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन एक पीला कागजी नींबू आप लेकर आ जाएँ और गुरुवार के दिन ही इसे अपने तकिए के नीचे रखकर आपको सोना है, और सुबह उठकर यानी कि गुरुवार के अगले दिन जाकर आपको इसके चार टुकड़े करके चौराहे पर अलग अलग टुकड़ा अलग अलग दिशा में चारों दिशाओं में आपको ये फेंक देने हैं। तो इसीलिए घर से इसके चार टुकड़े आपको करके जाना है और जहाँ आपको चौराहा दिखता है अलग अलग दिशा में आप एक एक टुकड़ा रख दें, और ये प्रयोग आपको केवल शाम को ही करना है। बस मात्र इतनी छोटी सी चीज को अगर आप कर लेते हैं खास करके गुरुवार के दिन, तो इससे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी तुरंत ही बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब तीसरी चीज ये है कि अगर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है तो इससे किस्मत तो बलवान बनती ही है, बल्कि दुगनी तेजी से धन आकर्षण भी शुरू हो जाता है। विष्णु सहस्रनाम खास करके गुरुवार को निश्चित ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके बड़े ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और धन आकर्षण होता ही चला जाता है। खास करके अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो गुरुवार से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुरू करें और अगले गुरुवार तक करते रहें। केवल 7 दिन आपको जाप करना है और इतना ही करने मात्र से धन आकर्षण दुगनी तेजी से होता है। विष्णु सहस्रनाम के बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं, खास लाभ भी इनके प्राप्त होते हैं, बल्कि अनगिनत लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन इसको करने की विधि बिल्कुल अलग अलग प्रकार की होती है जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जो आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर भी निश्चित बताया जाएगा, और इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें, क्योंकि गुड कर्मास बढ़ने बहुत आवश्यक हैं। इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ते ही चली जाती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।